उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे और उसके रिश्तेदारों की करोड़ों की संपत्तियां प्रशासन की ओर से जब्त कर ली गई हैं। बिकरू, चौबेपुर, कानपुर देहात और लखनऊ स्थित 13 अचल और 10 चल संपत्तियों की बाजार कीमत 67 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। एसीपी आउटर की रिपोर्ट पर डीएम कानपुर कोर्ट ने इन्हें अटैच करते हुए तहसीलदार स्तर के अधिकारी को बतौर रिसीवर तैनात करके आदेश जारी किए हैं, जिसके लिए कानपुर देहात और लखनऊ डीएम को पत्र भेजा गया है। संबंधित जो मुख्य अभियुक्त था विकास दुबे और उनके परिवारजन के विरुद्ध में पुलिस अधीक्षक कानपुर आउटर की आख्या के क्रम में न्यायालय कानपुर नगर जिला मजिस्ट्रेट गैंगस्टर एक्ट की 14(1) धारा के अंतर्गत हम लोगों ने इनकी चल अचल संपत्ति को जब्तीकरण के आदेश निर्गत किए हैं। ये वही चल अचल संपत्तियाँ हैं जिनको इनके द्वारा अवैध रूप से इनका अर्जन किया गया था और इनके आय के स्रोत के बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं थी। पुलिस की आख्या के क्रम में ये जब्तीकरण और अटैचमेंट की कार्रवाई की गई है। इसमें तहसीलदार जो हैं वो रिसीवर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसमें यह भी अवगत कराना है कि ये चल अचल संपत्तियाँ न केवल कानपुर नगर जनपद में बल्कि कानपुर देहात जनपद और जनपद लखनऊ में भी स्थित हैं, तो संबंधित जिलाधिकारी गणों को भी हम लोगों के द्वारा पत्राचार किया गया है और वहाँ भी उनसे अनुरोध किया गया है कि वहाँ स्थानीय स्तर पर SDM स्तर का अधिकारी या तहसीलदार नियुक्त किया जाए और जल्द से जल्द इस पूरे